Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Why on It Lifestyle. दोस्तों, फिट और हेल्दी रहने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर फलों का सेवन स्वास्थ्य के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है, लेकिन कुछ लोग बाजार में एक बार में ज्यादा फल ले आते हैं और फिर जब केले और चीकू जैसे फल ज्यादा पक जाते हैं तो इन्हें खाने के बजाय सड़ा हुआ समझकर फेंक देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि केले और चीकू जैसे ज्यादा पके हुए फल भले ही स्वाद में सही ना लगे, लेकिन आपकी स्किन को बेहतर बनाने और बालों की क्वालिटी सुधारने में कारगर साबित हो सकते हैं। ज्यादातर पके हुए फलों को आप स्क्रब, फेस मास्क और हेयर मास्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे ब्यूटी टिप्स के बारे में जिनकी मदद से आप अपनी स्किन को और भी बेहतर बना सकती हैं। तो चलिए जानते हैं। नंबर एक, ज्यादा पके हुए केले का इस्तेमाल। दोस्तों, पोटेशियम, विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ एंटी एजिंग गुण के कारण पके हुए केले से चेहरे की रंगत निखारी जा सकती है। खासकर जिन लोगों की स्किन ड्राई और बेजान रहती है, उनके लिए पके हुए केले से बने फेस मास्क बेहद फायदेमंद होते हैं। इसके लिए पके हुए केले को मसल कर इसमें शहद और ताजा दही मिलाकर फेस मास्क का पेस्ट तैयार कर लें और फिर इसे चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 15 से 20 मिनट के बाद इसे धो लें। नियमित रूप से इसका इस्तेमाल करने से स्किन सॉफ्ट और ग्लोइंग नजर आएगी और डैमेज होने से बच जाएगी। नंबर दो, ज्यादा पके हुए चीकू का इस्तेमाल। दोस्तों, चीकू में विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो त्वचा को हेल्दी बनाने में कारगर साबित होते हैं। ज्यादा पके हुए चीकू में शहद मिलाकर आप फेस मास्क तैयार कर लें, फिर इसे अपने चेहरे और गर्दन पर 10 मिनट तक लगाकर छोड़ दें। इस फेस पैक के सूख जाने के बाद इसे हल्के सर्कुलर मोशन में मसाज कर इसको वॉश कर लें। ऐसा करने से रंगत में निखार आता है और चेहरा ग्लो करता है। पके हुए चीकू व हेयर मास्क की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप पके हुए चीकू को पीस कर पेस्ट बना लें और फिर इसमें एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और 2 चम्मच दही मिलाकर हेयर मास्क तैयार कर लें। चीकू से बना ये हेयर मास्क बालों के लिए बेहद ही फायदेमंद होता है। इसे बालों पर लगाने से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं। इसके अलावा जिन लोगों के बाल रूखे होने के कारण झड़ने लगे हैं, वे चीकू के पेस्ट में नींबू का रस मिलाकर इसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आपके डैंड्रफ की समस्या भी दूर हो जाएगी। चीकू और नींबू के रस से बना फेस मास्क बालों में 40 मिनट के लिए लगाकर रखें और फिर माइल्ड शैम्पू के साथ इसे वॉश कर लें। बेहतर रिजल्ट के लिए आप एक हेयर मास्क का हफ्ते भर में 2 बार इस्तेमाल जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलूंगी एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।